हेलो एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू मुस्लिम फ्रेंड्स सेलिब्रेटिंग ईद टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ न्यूटेला टार्ट फॉर ईद एंड फॉर द क्रस्ट वी विल नीड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। मैदा 1 कप, ठंडा मक्खन 5 खाने के चमचे, ये बिल्कुल चिल्ड मैं मक्खन यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने पहले से निकाल कर नहीं रखा। पानी भी बिल्कुल ठंडा 1.5 खाने का चमचा इस्तेमाल होगा, तो ये बिल्कुल चिल्ड वाटर है। साथ में मैं आधा अंडे की जर्दी इस्तेमाल करूँगी और चुटकी भर नमक इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हम डो बना लेते हैं क्रस्ट के लिए। मैदा और मक्खन दोनों एक बड़े बोल में डालकर अच्छे से हाथ से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, ये ताकि अच्छे से ग्रेनी हो जाएं दोनों चीज़ें मिलकर। और फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अब नमक और आधी अंडे की जर्दी और पानी थोड़ा सा मैं शामिल करूँगी। टोटल इसमें 1.5 खाने का चमचा इस्तेमाल होगा पूरे डो की रेसिपी में, और मैं 1.5 खाने के चमचे में से ही थोड़ा थोड़ा सा डालती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ। 1.5 खाने के चमचे से ज़्यादा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं होगा और इसको हम इतना गूंद लेंगे कि ये जो डो है ये एक बॉल की फॉर्म में आ जाए, इस तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए बिल्कुल। देखिए इस तरह से ये सब चीज़ें मिक्स होकर एक साथ आ गई हैं, और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इससे जो हमारा क्रस्ट है वो बहुत अच्छा क्रिस्पी सा बनता है। तो ये इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे फॉर अबाउट 15 मिनट्स, या आप चाहें फ्रिज में रखना तो इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखिएगा। तो अब मैं इसको रख रही हूँ, फिर मैं आती हूँ। तो इस तरह से अब ये मैं रोल करने के लिए आ चुकी हूँ। मैंने निकाल लिया है डो बाहर। एक तरीका ये है कि मैदा सरफेस पे डालकर और फिर वैक्स पेपर ऊपर रख के बेलन से बेल लिया जाए, और दूसरा तरीका है कि हम पैन पे डायरेक्ट डो को रख के और फिंगर टिप्स से अपनी प्रेस कर लें। मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है फिंगर टिप्स से प्रेस करना, इससे कोई क्रैक्स वगैरह नहीं आते और ये ईजी भी है और जल्दी भी हो जाता है। तो इस तरह मैं फिंगर टिप से प्रेस करती जा रही हूँ बॉटम को, और ये जो एजेस हैं जो साइड्स हैं इसकी, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके और इसको स्प्रेड करती जा रही हूँ। मेक श्योर कि कोई क्रैक ना रहे, कोई होल ना रहे, और इसको फिर मैं स्प्रेड करने के बाद अच्छी तरह फ्रीज़र में दोबारा रखूँगी 15 मिनट। तो देखें ये मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है 15 मिनट रखने के बाद, और अब मैं इस पर होल्स करूँगी विद द हेल्प ऑफ फोर्क ताकि ये बेक होते हुए राइज ना हो, फूले नहीं। अब हम इसको ब्लाइंड बेक करेंगे। ब्लाइंड बेक मतलब कि पहले हमने किसी भी क्रस्ट पे अपने ये वैक्स पेपर रखा कट करके, और फिर उसके ऊपर बीन्स या कोई भी दाल जो पुरानी हो जाती है वो डाल दी, और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करके अवन में रख दिया। तो ये प्रोसेस ब्लाइंड बेकिंग कहलाता है। 180 डिग्री पे अवन को प्रीहीट कर लिया जाएगा और फिर उसमें मैं ये बेक करने रख दूंगी। मैंने अवन प्रीहीट कर लिया है, ये बेक होने जा रहा है फॉर 20 मिनट्स। देखें अब ये बेक हो गया है ब्लाइंड बेक। तो अब मैं इसका वैक्स पेपर और बीन्स जो हैं वो रिमूव कर दूंगी। ये हम स्टोर भी कर सकते हैं, ये बार बार कभी इस्तेमाल हो सकता है। तो अब ये दोबारा से बेक होने के लिए मैं रख दूंगी उसी अवन में 180 डिग्री पे 20 मिनट। तो देखें टोटल 40 मिनट्स के लिए हमारा ये बेक हुआ। पहले 20 मिनट हमने इसको ब्लाइंड बेक करा और 20 मिनट हमने इसको बाद में बेक करा। तो इस तरह से इसने अपने बॉटम्स बिल्कुल एजेस छोड़ दिए हैं और ये अच्छा सा हमारा क्रस्ट रेडी हो चुका है। अब हम न्यूटेला फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। न्यूटेला फिलिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए हैं यहाँ पे, सबसे पहले स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क है 1/4 कप, तकरीबन 200 ग्राम्स ये मैंने यूज़ किया है। साथ में मक्खन है जो मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था पहले से निकाल के 1/4 कप या 63 ग्राम्स। चॉकलेट गिनाश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने डार्क चॉकलेट से चॉकलेट गिनाश बनाई है 2 खाने के चमचे, तो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो छोड़ दें। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारा न्यूटेला, ये तकरीबन 3/4 कप या फिर 200 ग्राम इस्तेमाल होगी। तो आए मैं आप लोगों को सबसे पहले चॉकलेट गिनाश बनाना बता देती हूँ। चॉकलेट गनाज बनाने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, एक व्हिपिंग क्रीम और एक कुकिंग चॉकलेट। व्हिपिंग क्रीम मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चमचे, मैंने ये वाली व्हिपिंग क्रीम ले ली है।
दो खाने के चमचे व्हिपिंग क्रीम को मैंने एक बोल में डालकर माइक्रोवेव कर लिया था 1 मिनट के लिए, और फिर उसमें मैंने कुकिंग चॉकलेट डालकर 4 खाने के चमचे और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद उसको अच्छे से मिक्स करा तो हमारी गनाश रेडी होती हो गई थी। ये वाली मैंने कुकिंग चॉकलेट यूज़ की है, डार्क चॉकलेट आइडियल है इस रेसिपी के लिए, आप लोग चाहें तो मिल्क चॉकलेट यूज़ कर लें। अब फिलिंग हम प्रिपेयर कर रहे हैं, पैन में मैंने मक्खन डाल दिया है, मक्खन को मैं मेल्ट कर लूँगी अच्छे से बिल्कुल धीमी आंच पे, और फिर जब ये मेल्ट हो गया तो फिर मैं इसमें डालूँगी न्यूटेला। न्यूटेला मैंने रूम टेम्परेचर पे पहले से निकाल कर रख ली थी, इस तरह इसको पोर करना ज़्यादा आसान होता है। अगर फ्रिज में रखी हुई न्यूटेला यूज़ करेंगे तो फिर उसको निकालना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, तो इसलिए मेक श्योर के यू हैव कैप्ट रूम टेम्परेचर। तो अब मैं इसमें डालूँगी कंडेंस्ड मिल्क, जो कि मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप। आप लोग अगर मिल्क चॉकलेट इस्तेमाल करें गनाश में तो आप लोग कंडेंस मिल्क को थोड़ा कम यूज़ कर लीजिएगा, अगर आप लोग कम मीठा प्रेफर करते हैं, वरना ये आइडियल रेसिपी है। इसमें इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये मैंने जो गनाश बनाई थी डार्क चॉकलेट से, तो 2 खाने के चमचे मैंने स्पूनफुल भर के वो ऐड कर दिया है, और अब विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और पका लूँगी। बिल्कुल धीमी आंच पर ये मिक्स करके पकाना है हमें, तेज़ आंच पर नहीं पकाना। तो इस तरह से ये हमारी जो न्यूटेला की टार्ट फिलिंग है ये मिक्स होने के बाद अच्छी सी रेडी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। तो मेक श्योर कि जब ये कुक हो जाए और बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो थोड़ी देर के लिए आप लोग इसको नॉर्मल कर लें रूम टेम्परेचर पर, अराउंड 5 to 10 मिनट्स। तो ये देखें अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई अलग से लंप वगैरह ना रहे और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाएं। ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ न्यूटेला टार्ट की, ये 4 to 6 servings हैं। इट्स वेरी स्वीट एंड वेरी हैवी, तो आराम से 6 servings सर्व की जा सकती हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है, बहुत ही यम्मी होता है। और ये मैं ईद में फ्रॉम पास्ट 2 years आई एम मेकिंग इट ऑन एवरी ईद उल फितर। तो इस तरह से हमारी न्यूटेला फिलिंग जो है अब ये हमारी रेडी हो चुकी है, और ये मैंने इसके अपने क्रस्ट के ऊपर पोर कर दी है, और ये देखें थोड़ी बच भी जाएगी, पूरी इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है, और मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और गार्निश कर लूँगी पहले। आप लोग चाहें तो किसी भी चीज़ से कर लें, वैसे फेरेरो रोशर से जो चॉकलेट है उससे आइडियल रहता है। तो इस तरह मैंने गार्निश कर लिया है और टॉपर लगा दिया है ईद सही। तो आई होप आप लोग इसको ट्राई करेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।